चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा द बेट, द बेट में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, बेट जो है एंटोन चेकअप का लिखा हुआ है। एंटोन चेकअप का जन्म 17 जनवरी 1860 में एंतेगनोरोंग में हुआ था इन साउथ रशिया। कह रहा है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बैंकर जो है वह इस बात को सोच के परेशान है कि जो उसने दाव लगाया हुआ है, जो उसने दाव लगाया हुआ है लॉयर से, वह जो समय है वह पूरा होने को है, और उस समय को पूरा होने के चलते वह बैंकर परेशान है। और बैंकर परेशान होके क्या कह रहा है कि अब वह सोच रहा है कि वह जो है अब ये दाव पेच जो है हार जाएगा इसको लेके, और वह जब दाव पेच हार जाएगा तो उसके पास अब पैसे नहीं बचेंगे, वह उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, अब वो क्या हो जाएगा, काफी कंगाल हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। इसलिए वह क्या कर रहा है कि उसको मारने की बातें सोच रहा है, और सोच रहा है कि कैसे क्या किया जाए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे कल हम लोगों का जो चैप्टर था ये द बेट, इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़े हुए थे, पेज नंबर 17 का लास्ट पढ़ रहे थे, पढ़ लिए थे, 18 पढ़ना था। थोड़ा सा हम ऊपर से देखेंगे। कहता है कि आई डोंट एग्री विथ यू, सेड द होस्ट। होस्ट ने कहा मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। आई माई सेल्फ हैज एक्सपीरियंस्ड, मेरा अनुभव है, मेरा स्वयं का अनुभव है, नाइदर कैपिटल पनिशमेंट नॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कि ना तो कैपिटल पनिशमेंट और ना तो लाइफ, नहीं ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, ये पेज हम लोग पढ़ लिए थे, नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे 18 हम लोग फाइनल कर लिए थे, 18 फाइनल कर लिए थे हम लोग, 19 को फाइनल कर रहे थे, नहीं 18 को, 18 के लास्ट से चलना था, फाइनल ही हो गया था, इसमें ये पढ़ना है लास्ट में। कह रहा है कि कम टू योर सेंस, अपने दिमाग का यूज करो यंग मैन, युवा आदमी, अरे यंग मैन अपने दिमाग का यूज करो, कम टू योर सेंस बिफोर इट इज टू लेट, ऐसा नहीं हो कि कहीं देर हो जाए। 2 मिलियंस आर नथिंग टू मी, 2 मिलियंस मेरे लिए कुछ नहीं है, बैंकर कह रहा है, साहूकार जो कह रहा है, अरे अपने दिमाग का यूज करो, कुछ सोचो, मेरे लिए 2 मिलियन कुछ नहीं है, मैं 2 मिलियन इजिली दे सकता हूँ। रही बात तुम्हारी, तो तुम अपने कॉमन सेंस का यूज करो, तुम अपने दिमाग का यूज करो, ताकि यह तुम समझ पाओ। कह रहा है कि बट यू स्टैंड टू लॉस 3 or 4 ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, तुम अपने जीवन के बहुत से अच्छे वर्ष गंवा दोगे, 3-4 जो वर्ष तुम्हारे जीवन में अच्छे आने वाले हैं उसको तुम गंवा दोगे। आई से 3 or 4 बिकॉज यू विल नेवर स्टिक इट आउट एनी लॉन्गर। कह रहा है कि मैं इसलिए तुमको 2 या 3 कह रहा हूँ, 3 या 4 कह रहा हूँ, क्योंकि तुम 3 या 4 से ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रह सकते। और इसमें होगा क्या कि तुम अपना जो $2 मिलियन है, 2 मिलियन जो रबल्स है वो तुम गंवा दोगे, रशियन रुपीज है, इसको तुम गंवा दोगे। इसलिए कम टू योर पॉइंट, कम टू योर सेंस। कह रहे कि डोंट फॉरगेट आइदर यू अनहैप्पी मैन, या मत बोलना, मत बोलना कि तुम एक अनहैप्पी मैन हो। दैट वॉलंटरी कन्फाइनमेंट की बात हम लोग कर रहे थे कल। वॉलंटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है स्वैच्छिक यानी स्वयं से लिया गया कारावास, वॉलंटरी कन्फाइनमेंट हो गया, इज मच हैवियर देन द इनफोर्स इम्प्रिजमेंट। इनफोर्स इम्प्रिजमेंट, इनफोर्स किया हुआ, लागू किया हुआ, इनफोर्स किया हुआ, लागू किया हुआ इम्प्रिजमेंट, ये आपको कारावास लागू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो और स्वयं से स्वैच्छिक कारावास अगर आप करते हैं वो ज्यादा आपको ज्यादा दिक्कत वाला होता है। इनफोर्स इम्प्रिजमेंट हैवियर देन इनफोर्स इम्प्रिजमेंट, ठीक है, मतलब इससे ज्यादा क्या है, वॉलंटरी कन्फाइनमेंट ज्यादा हैवियर है। कह रहा है कि वही हैवियर देन इनफोर्स इम्प्रिजमेंट, दोबारा दे दिया। एंड नाउ द बैंकर पेसिंग फ्रॉम कर्नर टू कर्नर रिकॉल ऑल दिस एंड आस्क हिमसेल्फ, अब क्या हुआ,
नाउ द बैंकर, अब जो बैंकर था साहूकार था, पैसिंग फ्रॉम कर्नर टू कर्नर, एक जगह से दूसरी जगह पैसिंग कर रहा था, चहलकदमी कर रहा था, चल रहा था, रिकॉल्ड या स्मरण करते हुए ऑल दिस एंड आस्क हिमसेल्फ, यह सब चीजें याद करते हुए वह एक चहलकदमी कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, यह याद करते हुए कि क्या हो, ठीक है, व्हाई डिड आई मेक दिस बेट, मैंने यह बेट क्यों लगा लिया, व्हाट्स द गुड्स, नहीं व्हाट्स द गुड्स, क्या अच्छाई है, क्या अच्छा है, मैंने ऐसा क्यों किया, द लॉयर्स लॉसेस 15 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ एंड आई थ्रोन अवे 2 मिलियंस, लॉयर मैंने ऐसा क्यों किया, इसको करके मुझे क्या फायदा हुआ, द लॉयर लॉसेस 15 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, लॉयर ने अपने जीवन के 15 साल गवा दिए, एंड आई थ्रोन अवे, और मैंने फेंक दिया 2 मिलियंस, लगभग मैंने फेंक दिया 2 मिलियंस रबल्स, मैंने 2 मिलियंस रबल्स को क्या किया, थ्रोन अवे कर दिया, फेंक दिया, ऑन माई पार्ट इट वॉज द कैप्राइस ऑफ वेल फेड मैन, ऑन द लायर्स फ्योर ग्रीड ऑफ गोल्ड, कह रहा है कि ऑन माई पार्ट, मेरे अनुसार, ऑन माई पार्ट, मेरे जीवन में, कह रहा है कि इट वॉज अ कैप्राइस ऑफ वेल फेड मैन, एक मिनट, कैप्राइस ऑफ वेल फेड मैन, कैप्राइस का मींस होता है सनक, सनक, सनक कह सकते हैं, उमंग कह सकते हैं, लहर कह सकते हैं, ठीक है, कह रहे कि पौष्टिक, कह रहे कि ऑन माय पार्ट इट वाज द कैप्राइस ऑफ वेलफेड मैन, एक बहुत अच्छे व्यक्ति का ना, के ऊपर सनक लगी हुई थी, वो क्या कहते हैं उसको, सनक गया था, पागल हो गया था कि ऐसा किया, ऑन द लायर्स प्योर ग्रीड ऑफ गोल्ड, और जो लायर था, और लायर पे किसकी सनक थी, लायर किस चीज के लिए पागल हुआ था, लायर सोने के लिए पागल हुआ था, सोने का मतलब स्लीप नहीं, लायर पैसे के लिए पागल था, बताओ 2 मिलियंस डॉलर के लिए, 2 मिलियंस रबल्स के लिए उसने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, उसने अपने 15 साल गंवा दिए मात्र 2 मिलियंस डॉलर के लिए, आई कहते हैं ही रिकोलेक्टेड फर्दर दैट व्हाट है व्हाट, करेंगे ही रिकोलेक्टेड फर्दर, फर्दर का मतलब होता है आगे, व्हाट हैपेंड आफ्टर द इवनिंग पार्टी, उसे वह पुनः याद करता है कि आगे क्या हुआ था, नहीं उस पार्टी के दिन आगे क्या हुआ था, ही रिलेक्टेड फर्दर व्हाट हैपेंड आफ्टर द इवनिंग पार्टी, इट वॉज डिसाइडेड दैट द लायर मस्ट अंडरगो हिज इम्प्रिजन जनमेंट अंडर द स्ट्रिक्टेस्ट ऑब्जर्वेशन इन गार्डन विंग ऑफ द बैंकर्स हाउस, कह रहे कि इट वॉज एग्रीड, यह सहमति बनी थी, नहीं यहाँ करेंगे इट वॉज डिसाइडेड, यह निर्णय लिया गया था कि दैट की द लायर मस्ट अंडरगो, अंडरगो का मतलब होता है झेलना, हिज इम्प्रिजनमेंट, वो अपना कैद खाने में झेलेगा, अंडर द स्ट्रिक्टेस्ट ऑब्जर्वेशन, काफी सख्त देख रेख में, ऑब्जर्वेशन का मतलब ऑब्जर्व करना, देखना, देख रेख में, इन ए गार्डन विंग, गार्डन विंग, विंग का मतलब होता है पश्चिम भाग, और बैंकर्स हाउस, बैंकर के घर का, साहूकार के घर का जो पश्चिम भाग है, पीछे का भाग, उसमें काफी देख रेख में वह इम्प्रिजनमेंट को झेलेगा, इम्प्रिजनमेंट को झेलेगा, वह क्या करेगा, उस कैद खाने में रहेगा काफी देख रेख में, इट वॉज एग्रीड दैट ड्यूरिंग द पीरियड ही वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू क्रॉस द थ्रेशहोल्ड, कह रहा है कि इट वॉज एग्रीड, यह सहमति बनी दैट की ड्यूरिंग द पीरियड, उस समय के दौरान ही वुड बी डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है डिप्राइव्ड हो जाना, यानी मन ना लगना, डिप्राइव्ड हो जाना, कह रहे कि डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू क्रॉस द थ्रेशहोल्ड, थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है सीमा रेखा,
कि उस समय के दौरान ये 15 वर्ष का जो टाइमिंग है उसके दौरान यदि वह डिप्राइव्ड हो जाता है और डिप्राइव्ड होके क्या करता है, सीमा रेखा को पार करता है, करेगी थ्रेश होल्ड टू सी लिविंग पीपुल, करेगी राइट टू क्रॉस द थ्रेश होल्ड टू सी लिविंग पीपुल, वह क्या कर सकता है, देख सकता है, मतलब अगल बगल के लोगों को देख सकता है, सीमा रेखा में कुछ चीजें रखी गई, टू हियर ह्यूमन वॉइस, मनुष्यों की आवाज सुन सकता है, एंड टू रिसीव लेटर्स एंड न्यूज़पेपर्स, और उसे लेटर पत्र और न्यूज़पेपर दिया जा सकता है, ही वाज परमिटेड टू हैव ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसे यह भी अनुमति दी गई, यानी उसमें रहने के लिए तमाम तरह की चीजें रखी गई, उसमें यह अनुमति दिया गया कि वह लोगों की आवाज सुन सकता है, लोगों को देख सकता है, एक विंडो बनाया गया छोटा सा उससे, और लेटर न्यूज़पेपर वह ले सकता है, he was permitted to have a musical instrument, उसे यह अनुमति दी गई कि वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रख सकता है अपने पास, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संगीत वाद्य यंत्र बजा सकता है, रख सकता है, टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ सकता है, टू राइट लेटर्स, पत्र लिख सकता है, टू ड्रिंक वाइन, टू ड्रिंक वाइन पानी पीने का, दारू पीने का, टू ड्रिंक वाइन, टू स्मोक टुबैको, स्मोक कर सकता है टुबैको, कह रहा है कि बाय द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के द्वारा ही कुड कम्युनिकेट, वह कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, कम्युनिकेट बट ओनली इन साइलेंस, धीरे धीरे वह बात कर सकता है, विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू अ लिटिल विंडो, बाहर के लोगों से बात भी कर सकता है, बट लिटिल विंडो, बाहर निकल के नहीं, एक छोटी सी खिड़की है जो उसके लिए बनाया गया है, उससे वह बात कर सकता है लोगों से, लिटिल विंडो एस्पेशली, खास करके कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस पर्पज, जो खास करके इस पर्पज के लिए बनाया गया था, इस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, किस उद्देश्य के लिए, अरे इसके वह जहां रहता था, जो काम करता था उस, अरे जहां उसको रखा गया था, जिस उद्देश्य के लिए वो 15 साल तक इनको कैद में रखा गया था, उस उद्देश्य के लिए वो एक छोटी सी खिड़की बनाई गई थी, इससे बात करने के लिए ही, एवरीथिंग नेसेसरी, सब कुछ नेसेसरी जो है, बुक्स, म्यूजिक, वाइन, ही कुड रिसीव इन एनी क्वांटिटी बाय सेंडिंग ए नोट थ्रू द विंडो, जितना भी चाहे, एनी क्वांटिटी, जितना भी मात्रा में चाहे, वह क्या कर सकता है, इन सब चीजों को ले सकता है, क्या करके, एक नोट्स लिख के, वो एक नोट लिखेगा कि मुझे ये चीजें चाहिए, और वो थ्रू द विंडो पास थ्रू करेगा उसे, वहां से खिड़की से, और उसे वो सारी चीजें देने का प्रयास किया जाएगा, यह बात लिखी गई है उस लेटर में, उस बेट के एग्रीमेंट पेपर पर, द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर ऑल द मिनट टेस्ट डिटेल्स, ये जो एग्रीमेंट थी, सहमति थी, वो सब लिखी गई, प्रोवाइडेड की गई, एक लिखित ब्यौरा बना, मिनी टेस्ट डिटेल्स, एक लिखित ब्यौरा बना, विच मेड द कन्फाइनमेंट स्ट्रिक्टली सोलिटरी, जो कन्फाइनमेंट को, कैद खाने को सोलिटरी, अकेला करता है, अकेले रहने, एंड इट ऑब्लिगेट द लॉयर टू रिमेन एग्जैक्टली 15 ईयर्स फ्रॉम 12 o'clock, और यह निश्चित किया गया कि वह 15 ईयर्स 15 साल तक वहां पे रहेगा, एग्जैक्टली 15 ईयर्स फ्रॉम द 12 o'clock ऑफ नवम्बर 1487, 14 नवंबर 1817 से लेके 12 बजे रात को, यह हुआ 14 नवंबर 1870 को, 1870 to 12 o'clock November 1485 तक 15 साल, 12 बजे रात तक रहना है, 12 o'clock of November 1485, the least attempt on his part of violate the condition, the least
करेक्ट द लिस्ट अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ वायलेट, वायलेट का मतलब होता है अनादर करना, द कंडीशन, कंडीशन का मतलब स्थिति, टू एस्केप इफ ओनली ऑफ फॉर टू मिनट्स बिफोर ऑफ द टाइम, कि वो एस्केप कर सकता है, निकल सकता है टाइम के मात्र दो मिनट पहले, फ्रीड द बैंकर फ्रॉम द ऑब्लिगेशन, और फ्रीड वो स्वतंत्र होगा फ्रॉम द बैंकर, बैंकर के द्वारा, फ्रॉम द ऑब्लिगेशन, फ्रीड द बैंकर फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू पे हिम द टू मिलियंस, और यदि वो कोई आभार प्रकट करता है या कोई प्रॉब्लम्स होता है और वो निकलना चाहता है तो वो उसके लिए उसे 2 million rubles देना होगा, यदि वो कोई प्रॉब्लम्स खड़ा करता है तो, या पहले निकलना चाहता है तो उसके लिए उसे 2 million rubles देना होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यह बात क्लियर हो गया, सब लिखित डिटेल्स बना, ब्यौरा बना और उसे उस घर के पिछवाड़े एक कमरे में रख दिया गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट पहला साल, कैद खाने का पहला साल, द लॉयर एज फार एज इट वॉज पॉसिबल टू जज फ्रॉम हिज शॉर्ट नोट्स, जितना हो सकता था, जो कुछ मंगा सकता था वो उसने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखकर और मंगाया। कह रहा है कि आगे कह रहा है, एज फार इट वॉज पॉसिबल जज फ्रॉम हिज शॉर्ट नोट्स suffered terribly, भयानक रूप से, from loneliness and boredom। कह रहा कि पहले साल तो जितना हो सकता था बर्दाश्त किया, फिर वह suffers loneliness, अकेलापन महसूस करने लगा, and boredom, boredom का मतलब होता है ऊब जाना, और वह ऊब जाता था, from his wing day का मतलब है wing, from his wing का मतलब पश्च भाग, from his wing day and night came the sound of the piano, यानी वो पीछे वाले दरवाजे जो पश्च भाग में वो रहता था वहां से day and night दिन और रात पियानो की आवाज आती थी, पियानो बजने की आवाज आती थी। he rejected वो इनकार कर दिया wine and tobacco। During the first year, the lawyer was sent books of a light character। पहला साल लायर को अच्छे अच्छे बुक्स भेजे गए, नोबेल्स विद कॉम्प्लिकेटेड लव इंटरेस्ट, नोबेल भेजे गए, उपन्यास भेजे गए लव इंटरेस्ट से रिलेटेड, स्टोरीज ऑफ क्राइम, क्राइम की कहानियां भेजी गई, क्राइम से रिलेटेड स्टोरीज के बुक्स भेजे गए, एंड फैंटेसी कॉमेडी, और कोरी कल्पना वाली कॉमेडी, कॉमेडी आप समझते हैं, कॉमेडीज के बुक्स भेजे गए, एंड सो ऑन, और ऐसा ही चलता रहा, पहला साल ऐसा ही चलता रहा। इन द सेकेंड ईयर द पियानो वॉज हियर नो लॉन्गर, दूसरे साल पियानो को लंबे समय तक नहीं सुना गया। इन द सेकेंड ईयर द पियानो वॉज हियर नो लॉन्गर एंड द लायर, और जो लायर था, लायर का मतलब जो वकील था, एंड द लॉयर जो प्रिजन में था, कैद खाने में था, आस्क ओनली फॉर क्लासिक, अब क्लासिकल म्यूजिक का डिमांड करने लगा। इन द फिफ्थ ईयर ऐसे ही चलता रहा समय, इन द फिफ्थ ईयर पांचवें साल में म्यूजिक वाज हियर्ड अगेन, पुनः म्यूजिक सुना गया पांचवें साल में, एंड द प्रिजनर आस्क फॉर वाइन, और जो कैदी था, प्रिजनर कैदी, आस्क फॉर वाइन, पांचवें साल में दारू मांगने लगा, वाइन मांगने लगा। दो जो वाच्ड हिम, वे जो उसे देखते थे, सैड कहते थे, दैट की ड्यूरिंग दैट होल ऑफ द That year he was only eating, drinking and laying on his bed। वे लोग जो उसका, जो कैदी को वाच करते थे,
वो कहते थे कि इस इन सालों में वह क्या किया। एक मिनट की आप लोग भी बोल नहीं रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोलते हैं। मैं काफी ऊपर तक पढ़ाता रहा। चलिए, इन द सेकेंड ईयर द पियानो वाज हियर नो लॉन्गर एंड द लायर आस्क्ड ओनली फॉर क्लासिक। इन द फिफ्थ ईयर म्यूजिक वाज हियर अगेन एंड द प्रिजनर आस्क्ड फॉर वाइन। Those who watched him said that during the whole day, whole of that year, he was only eating, drinking, and laying on the bed. Laying का मतलब था लेटा रहना, on his bed. खाता था, पीता था और सो जाता था बेड पर. He yawned after and talked angrily to him. वह क्या करता था? Yawn का मतलब होता है जम्हाई लेना. वह जम्हाई लेता रहता था often prior and talked angrily to himself, और अपने आप से गुस्सा कर बात करते रहता था। Books he did not read, उस साल में उसने किताबें नहीं पढ़ी। Books he did not read. Sometimes at night he would sit down to write. कभी कभी रात्रि में वह क्या करता था? बैठ जाता था लिखने के लिए। Books he did not read. Sometimes at night he would sit down to write. He would write for a long time. वह लंबे समय तक लिखता एंड टियर इट ऑल अप इन द मॉर्निंग, और सुबह होते होते जो लिखा रहा था उसे पूरा फाड़ देता। मोर देन ओवर ही वाज हियर्ड टू वीप, और मोर देन वंस और एक बार से ज्यादा, यानी कई बार, मोर देन वंस ही वाज हियर्ड, वह सुना गया टू वीप, रोते हुए। कभी कभी वह रोते हुए भी सुना गया। In the second half of the sixth years, जब छठवां साल आधा बीत गया, the prisoner began joyously. Joyously का मतलब होता है उत्साहपूर्वक. In the second half of the sixth year, the prisoner began joyously to study language. Languages. वह क्या करने लगा? उत्साहपूर्वक languages पढ़ने लगा, कई भाषाएं का अध्ययन करने लगा. Philosophy, दर्शन शास्त्र, कह रहे कि फिलोसफी एंड हिस्ट्री दोनों पढ़ने लगा। एंड ही फेल ऑन दिस सब्जेक्ट सो हंग्रियली, वह इस सब्जेक्ट को, इस विषय वस्तु को, हंग्रियली का मतलब होता है भूखे लोगों की तरह देखना, यानी हमेशा पढ़ने की चाहत रखना, अ बिट मोर, थोड़ा और, यानी भूखे रीडर की तरह वह पढ़ता रहा। Hungrily that the banker hardly had time to get books enough for him. कि बैंकर को बहुत मुश्किल से समय निकल पाता था कि उसके लिए पर्याप्त किताबें दे पाए। In the space of 4 years, about 600 volumes, चार वर्ष के दौरान, space of 4 years, 600 volumes, 600 ग्रंथ, volumes, were bought at his request. उसके आग्रह पे 600 ग्रंथ लाए गए, 600 किताबें लाई गई, ग्रंथ लाए गए 600 ग्रंथ, और उसको वह पढ़ गया। सोचिए, फायदा भी है नुकसान भी है, रो भी रहा है, फायदा भी है पढ़ भी रहा है। इतना घर पे रहता तो नहीं पढ़ता जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं बड़ा बढ़िया से। आप लोगों को भी अपने आप को लॉकडाउन कर लेना चाहिए, नहीं ऐसे भी पढ़ना चाहिए। लेटर ऑन, उसके बाद, आफ्टर द 10th ईयर, 10वें वर्ष के बाद, द लायर कह रहे कि द लायर सेट इमोवेबल बिफोर हिज टेबल एंड रीड ओनली द न्यू टेस्टमेंट। कह रहा है कि लेटर ऑन के बाद, आफ्टर द 10th ईयर, 10 वर्ष के बाद, द लायर सेट इमोवेबल का मतलब जो मूव नहीं करे, नहीं, सेट इमोवेबल बिफोर हिज टेबल, अपने टेबल के सामने, मैं बिना घूम फिर कर बैठना, जैसे इमोवेबल, मूवेबल का मतलब घूमना, इमोवेबल बिफोर हिज टेबल एंड रीड ओनली द न्यू टेस्टामेंट। हम्म,
टेस्टामेंट का मतलब होता है वसीयत, कह रहे कि नहीं नहीं वसीयत नहीं नहीं टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट पढ़ने लगा। द बैंकर फाउंड इट स्टैंड्स दैट अ मैन हु इन 4 years हैड मास्टर्ड 600 एरुडिट वॉल्यूम्स शुड हैव स्पेंट नियरली ए ईयर इन रीडिंग वन बुक्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड बाय नो मीन थिक। चलिए आगे कह रहा है, द बैंकर फाउंड इट स्ट्रेंज, बैंकर को यह अजीब लगता था दैट की अ मैन, एक व्यक्ति हु इन 4 years हैड मास्टर्ड 600 एरुडिट्स। एरुडिट का मतलब होता है पांडित्यपूर्ण, विद्वान, ठीक है। कह रहे कि द बैंकर फाउंड इट स्ट्रेंज दैट अ मैन हु इन 4 years हैड मास्टर्ड 600 एरुडिट्स वॉल्यूम्स, कि एक व्यक्ति जो 4 सालों में पढ़ के पांडित्यपूर्ण हो जाता है, विद्वता को प्राप्त कर लेता है, एरुडिट्स हो जाता है, मास्टर्ड हिज 600 एरुडिट्स वॉल्यूम्स, 600 ग्रंथों का, ठीक है, मास्टर हो जाता है एरुडिट्स वॉल्यूम्स, शुड हैव स्पेंट नियरली ए ईयर इन रीडिंग वन बुक, शुड हैव स्पेंट नियरली अ ईयर रीडिंग वन बुक्स इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे एक साल में एक बुक को पढ़ के उसको समझ लेना नहीं आसान है, लेकिन 4 साल में 600 बुक्स को पढ़ के और उसको समझ लेना यह कहाँ संभव है। तो वह कभी कभी उसको अजीब फील होता था कि 4 साल में 600 बुक पढ़ गया, 600 वॉल्यूम्स पढ़ गया। Should have spent nearly a year in reading one book, easy to understand and by no means thick. The New Testament was then replaced. New Testament, नहीं बस, यह was then replaced by the history of religious, religions and theology. कह रहा है कि उसके बाद से द न्यू टेस्टामेंट वाज रिप्लेस्ड, पूरा नई वसीयत, नया चीज लिख के भेजना, रिप्लेस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियंस एंड थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, वेदांत, वही धर्मशास्त्र। करें कि द न्यू टेस्टामेंट वॉज देन रिप्लेस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड थियोलॉजी। चलिए एक स्टेप और चलते हैं मात्र, वैसे टाइम तो बहुत हो गया, आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे फिर इसको कल लेटर ऑन से देख लेंगे, लेटर ऑन से कल हम फिर इसको देखेंगे, टाइम लगेगा इस चैप्टर में क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। अभी हम लोग 2 दिन, कम से कम 2 दिन और लगेंगे तब जाके आपका चैप्टर समाप्त होगा, मतलब 2 दिन में समाप्त हो ही जाएगा, 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, 2 दिन बहुत है इसके लिए, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, मैं फिर आप लोगों को